Welcome back to your online YouTube classes after long time. So, dear students, today we are going to start the new chapter, chapter 9. It's straight line and angle. Okay? Straight line and angle. It means, straight line, you know that the straight line is supplementary angle is 180 degree and complementary angle is 90 degree. स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन है वो आपका कितने एंगल पे होता है 180 डिग्री डेफिनेटली और उसके एंगल के बारे में तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर मैं आपको इसको समझा रही हूँ ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या है गिवन दिया हुआ है आपके पास एक्स माइनस वाई इज 80 डिग्री ओके एंड वी नो दैट व्हाट वी नो हमको पता है यहाँ से देखिए कि एक्स माइनस वाई आपके पास दिया हुआ है तो मैं x का एंगल निकाली y को ट्रांसफर कर दी तो 80 प्लस y हो गया ये आपके पास एक फॉर्मूला हो गया ताकि आप इसको वैल्यू को पुट कर सको अब हमको पता है कि क्या पता है x प्लस y मतलब इस स्ट्रेट लाइन में x और y को प्लस करने पर एक स्ट्रेट लाइन बनता है ठीक है जिसका वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री इट इज जस्ट आपके मन में एंगल ठीक है ठीक है आप इसमें क्या कर सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल अब क्या कि मैं यहाँ से x का वैल्यू को इसमें पुट कर दी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट तो x का वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट किया देखो यहाँ से x का वैल्यू पूरा 80 प्लस y ठीक है x का वैल्यू तो पूरा वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया स्टूडेंट प्लस y आ गया इज इक्वल टू 80 क्लियर 180 हो गया अब इसको मैं क्या करी 80 को ट्रांसफर कर दी और 180 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कितना आया 100 और 2 को फिर मैंने इसे क्या किया ये मल्टीप्लाई प्रोसेस में है तो डिवाइड कर दी तो डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 मतलब ये कितना आ गया 50 डिग्री जब हमें y का वैल्यू मिल गया डियर स्टूडेंट तो मेरे को क्या करना है सम इक्वेशन फर्स्ट आप फिर से इक्वेशन फर्स्ट में जाइए जब हमको y का वैल्यू मिल गया इक्वल वैल्यू है तो हम x का वैल्यू रखते हैं ये निकाल सकते हैं ना ठीक है तो यहाँ से क्या जाएगा आप x का वैल्यू को इसको y के वैल्यू को पुट करिए मैं यहाँ दिया देखो ठीक है अब ये जो है ट्रांसफर हो गया तो 180 माइनस 50 तो वैल्यू ऑफ x 130 डिग्री नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ x इज 130 एंड वैल्यू ऑफ y इज 50 डिग्री ओके इसी क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं B and straight perpendicular line and this is O point and one sector this is the X this is the Y M and जेट ए बी ओके यस फ्रेंड ये आपके पास क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें जेट का वैल्यू फाइंड करना है ठीक है तो जेट का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहली बार तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है जो गिवन है उससे हम लिख देते हैं गिवन क्या दिया हमारे पास एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू x ratio y is equal to 2 ratio 3 and one more given here is angle MOB is equal to 90 degree ठीक है ये आपके पास दिया हुआ है तो आप लोग बहुत ही इजी है ये फाइंड आउट करना ये क्या कर सकते हो आप लोग ठीक है यहाँ से देखिए ये क्या जाएगा आपके पास वैल्यू का है जेड का वैल्यू अगर आपको पता है कि ये जो है 90 डिग्री है परपेंडिकुलर है ठीक है अगर आपको पता है कि ये 90 डिग्री है तो आप लोग समझ जाओ कि ये भी आपके पास क्या जाएगा डेफिनेटली जस्ट 90 डिग्री तो आपको पता है फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है एंगल कौन सा कंप्लीमेंट्री एंगल बोल रही हूँ
इक्वल टू एन ओ ए हो जाएगा. वेयर एन ओ बी इक्वल टू एन ओ ए. ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, ये जस्ट परपेंडिकुलर है, तो ये लिखना है एन ओ बी उतना ही एन ओ ए हो जाएगा, है ना. अभी हमको सॉल्व क्या करना है, एन ओ ए से ले रहे हैं एंगल एन ओ ए, क्या आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, अब आपको पता है एक्स प्लस वाई क्या है 90 डिग्री, है ना. तो आप लोग क्या करोगे, और एक और चीज कॉमन है यहाँ पर, क्या है ये बाइसेक्टर है ना, तो बाइसेक्टर से भी आपको ये पता चल जाएगा. और जबकि यहाँ पर एक और चीज कॉमन किया हुआ है, क्या किया हुआ है एक्स रेशियो वाई, तो आप लोग इसको क्या करोगे लैटिस एंगल इसको कहाँ लिखो मैं, क्या रहेगा ये रेशियो में रहेगा आपके पास, तो इन दोनों को प्लस करने पर कितना मिलता है ये आ जाएगा, है ना. तो एंगल से आपके पास कितने फाइंड हो जाएंगे, देखिए एंगल कैसे फाइंड करना है, लेट बी द एंगल एंगल व्हाट इज सपोज के, ठीक है, एंगल को हम क्या रहते हैं यहाँ पर के, तो ये क्या रहेगा 2k और 3k. तो एक्स का वैल्यू मैं पुट करती हूँ 2k, वाई का वैल्यू पुट करती हूँ मैं 3k इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर, अभी हमको एंगल का वैल्यू एक्चुअली में फाइंड करना है, एंगल का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन का वैल्यू इसमें स्ट्रेट लाइन के लिए हम यहाँ पर सप्लीमेंट्री इक्वेशन फॉर्मूला यूज करेंगे एल ओ एम के. तो पहले हमको निकालना है, क्या निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू, वेयर जहाँ पर एक्स का वैल्यू 2k रख रही हूँ मैं और वाई का वैल्यू 3 एल हुआ जैसे लीजिए 5k इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, अभी क्या करेगा ये k इज इक्वल टू 90 अपॉन 5. ठीक है, तो कितना आ जाएगा 18 डिग्री. ठीक है, डिग्री. तो जब k का वैल्यू यानी एंगल का वैल्यू मिल गया, तो नाउ x इज इक्वल टू क्या जाएगा 2k मीन 2 मल्टीप्लाई 18, तो ये क्या जाएगा 36 डिग्री आ गया हमारे पास. एंड y इज इक्वल टू कितना जाएगा, आप लोग जिन भी प्रोसेस से बना सब सही है ना. मेरे को भी जो समझ में आया मैं मेथड से आपको बता रही हूँ, बन सके चौक. ठीक है, तो यहाँ पर वाई का वैल्यू बताइए 3 मल्टीप्लाई 18. ठीक है, तो 18 की जगह कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ 54 डिग्री. तो हमको क्या मिल गया, वाई का वैल्यू मिल गया और एक्स का वैल्यू मिल गया. अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम स्ट्रेट लाइन या सप्लीमेंट्री एंगल एल ओ एम से, फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल एंगल एल ओ एम. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आप लोगों को, ये जो बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा ये एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जो है एल ओ एम हो गया. इससे हम क्या कर सकते हैं एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये आपको पता है, दिख रहा है आप लोगों को कैमरा दिख रहा है yes, sir. हाँ, सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, वाई का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए 54 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54. कैन यू एंड वन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180 टू 50 126 डिग्री. एंगल जेड इज इक्वल टू 126 डिग्री. नाउ यू गॉट योर एंगल जेड. ठीक है, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस क्वेश्चन. ठीक है, जो आपको इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था एंगल जेड का वैल्यू आपको फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया है. आप जैसे भी मेथड यूज करो, जो भी मेथड यूज करो, वो सब सही. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, यस मैम, ओके.
ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट, अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उससे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन द जॉइंट फिगर लाइन ए बी एंड एल एम इज इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट ओ, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं ना। इन द गिवन फिगर एंगल ई सी डी इक्वल टू ई डी सी एंड देन प्रूव द एंगल ई सी ए इक्वल टू ई डी डी, ठीक है? ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले आप लोग क्या करोगे, पहले आप लोग ड्रॉ करोगे जो भी आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, सेम है ना, हमारे पास ये है। एंड एंगल बी और आपके पास दिया हुआ है ए और बी और ये है ना। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 गिवन अस व्हाट गिवन है एंगल ई सी एफ डी इक्वल टू एंगल ई डी सी, ठीक है? ये आपके पास गिवन है, क्या बोला है एंगल ई सी डी इक्वल है ई डी सी, ठीक है? तो आपको क्या प्रूफ करना है, नाउ यू हैव टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है कि आपको एंगल ई सी ए इक्वल है ई डी बी, ठीक है? ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है? तो देखते हैं यहां पर सबसे पहले गिवन है, गिवन हम लोग लिख लिए, ठीक है? तो क्या जाएगा फ्रॉम फ्रॉम इस एंगल, ठीक है? इस एंगल से हम क्या करेंगे, यहां से देखते हैं एक स्ट्रेट लाइन के लिए यहां पर क्या जाएगा, ये आपका ई जो है ई सी इस पर परपेंडिकुलर किस पे लाइन है, देखिए ए बी पर है ना, तो यहां पर क्या जाएगा, यहां पर एंगल आ जाएगा आपका एंगल फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल लिख सकते हो आप, ठीक है? या फिर जैसे भी आपको ठीक लगे एंगल ई सी डी प्लस क्या रहेगा ई सी डी प्लस है ना, फिर एंगल ई सी ए एंगल ई सी ए इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? ये आपके पास एंगल बन रहा है, आप इसे एंगल देखिए, ये वाला एंगल इस पर, ठीक है? तो आप यहां से क्या कर सकते हो ई सी डी प्लस ई सी ए दोनों इक्वल क्या जाएगा, दोनों को प्लस करने पर 180 आ जाएगा, ठीक है? अभी हम यहां से वैल्यू निकालते हैं, क्या करेंगे एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये ट्रांसफर हो जाएगा माइनस एंगल ई सी ए, या ये आपके पास इसको इक्वेशन फर्स्ट आप लोग दे सकते हो, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, अब ये वाली से, ठीक है? देन ई डी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल बोल दीजिए इन ई, ठीक है? आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो वेटिटी जो है ट्रांसवर्सल इस पे जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये सेम कंडीशन फॉलो होगा एंगल ई डी ई डी ए, यहाँ पर सॉरी सी ले लेते हैं ई डी सी प्लस क्या जाएगा ई डी पी है ना, एंगल ई डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है? अभी आप क्या करेगा एंगल EDC इज इक्वल टू इसे हम ट्रांसफर करते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल EDD, ठीक है? अब क्या हो जाएगा, EDP आ जाएगा यहां से, अब देखिए हमको पता है कि ये दोनों इक्वल है, क्या इक्वल है ECD इक्वल है EDP है ना, क्या करना है
ट्रायंगल इक्वल यहाँ पे लिख सकते हो एंगल, देयरफॉर एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी, ठीक है। इसको आप इक्वेशन सेकंड दे दीजिए, क्लियर। आप क्या करना है, दोनों साइड में आप वैल्यू को पुट कीजिए, इसका वैल्यू ये रहा और इसका वैल्यू ये रहा, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाएगा 180 माइनस एंगल ई सी ए इक्वल टू क्या रहेगा 180 डिग्री माइनस, ठीक है, ये वाला एंगल ई डी बी, ठीक है। तो देखिए यहां से देखिए आप लोग क्या करोगे, यहां से देखिए आपका ऑलरेडी जो ये प्रूफ हो चुका ई सी ए इज इक्वल टू ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका कि ई डी बी बोथ आर ठीक है।